नमस्ते बाबा, कुछ नहीं है। नमस्ते, बताइए महाराज। नमस्ते बाबा। अरे बोलो, कई बार नमस्ते करो, हम तीन बार कर लिए तुमसे। मैं मुंबई से पहली बार आया हूँ। अच्छा। मेरी मम्मी आईसीयू में। मेरी मम्मी आईसीयू में, उनको गाल ब्लेडर में कैंसर हुआ है, तो उसकी वजह से मैं आपके पास आया। अब इसका कोई संकल्प नहीं हुआ, तुम थे नहीं क्या अभी संकल्प? मैं अभी आज ही आया हूँ सर। संकल्प नहीं दिख रहा है इसका। अरे वो तो इतने हवन कर चुकी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी इसका। आंखें बंद करो। हाँ तरह पहले दिन आए लोगों को जो संकल्प है, इनका संकल्प बना दीजिए, पूरा कर दीजिए। बैलेंस तीन बार बोलो नमो शिवाय। अब बैठा बैठा फटा अभी कितने वो होंगे उनके संकल्प हो चुके हैं। अब हम करा रहे हैं। आँख खोलो बेटा। ऑक्सीजन, तुम्हारी माँ आईसीयू में है क्या? आईसीयू में सर। उनकी ऑक्सीजन इस समय 40 के आसपास है, ठीक है? जो मशीन लगी है 40 के आसपास बता रही है। किडनी किडनी सब डैमेज है बुरी तरह से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। 40-50 के बीच में घूम रही है। बस उनको बचाने की कोशिश कीजिए सर, बहुत कोशिश में आया बाबा। किसी ने कहा है कि आपके दरबार में आने से बच जाते हैं लोग। तो डॉक्टर साहब क्या बता दिए? उन्होंने तो कहा है थेरेपी के लिए, उन्होंने कीमोथेरेपी के लिए सजेशन किया है। बट उसमें क्या होता है कि WBC कभी कभी बढ़ जाता है। कभी कभी नहीं बेटा, बढ़ा ही हुआ है। भयंकर इन्फेक्शन है बॉडी में बेटा, बहुत इन्फेक्शन। लास्ट टाइम जब रिपोर्ट आया था तो सर WBC 1500 था, बट अभी अचानक बढ़ जाता है। उनका बेटा खून जो है ना, वो पानी बन जाता है उनका, है ना? इन्फेक्शन बहुत है, गंदगी बहुत है। आंखें बंद करके अपनी माँ को देखो। ओम पवन देव, इसकी माँ में प्राणवायु बढ़ा दे। ओम बैलेंस बैलेंस। ओम इसकी माँ को शक्ति दी जाए थोड़ी, और आईसीयू से बाहर लाया जाए। बैलेंस। और बढ़ाया जाए ऑक्सीजन, देखो बढ़ रही है ऑक्सीजन, बढ़ रही है। हाँ पूरे बढ़ रही, अब 60 के आसपास पहुंच गई, बढ़ रही है। 80 पहुंच गई, देखो देखो उधर देखो। इफ्तार कर दिया जाए, इससे नीचे ना आए। ओम शिव समित की जाए। 85 पहुंच गई, देखे यहाँ पहुंच गए। हाँ यहाँ पहुंच गए, नाक के ऊपर। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो ये बच्चा कुछ कर पाए, फटाफट कर ले तो बच जाए प्राण। आईसीयू से बाहर आ जाएगी, ठीक है? बहुत कष्ट में, अभी ऑक्सीजन बढ़ गया है, 85 तक पहुंच गया, ठीक है? पता कर सकते हो बात करके, खुश रहो।